भाई इतने बड़े बड़े स्काई स्क्रेपर्स हैं, वो भी सारे एकदम डेंसली पॉपुलेटेड, एक दूसरे से सट सट के एकदम, है ना। वो भाई अगर तुम्हें शहर बढ़िया लग रहा हो तो इस शहर के लिए एक लाइक जरूर मार दो, है ना। इतना मतलब एकदम बेकार सी जगह से ऐसा बेहतरीन एकदम हाई लेवल का शहर बनाना तो बनता है यार, एक लाइक तो बनता है इस शहर के लिए। सभी भाई लोगों को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं, और कल है रामनवमी मुझे पता है, लेकिन मैं तो आज शुभकामनाएं दे रहा हूँ क्योंकि कल वीडियो नहीं आने वाली है ना, आज वीडियो आ रही है। तो भाई सभी को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं, और आज हम फिर से खेलने वाले सिटी स्काईलाइन। और भाई लोग पिछली वाली वीडियो में हमने एक बहुत बड़ी जो प्रॉब्लम होती है अपने शहर के अंदर एजुकेशन की, उसका हमने सॉल्यूशन करा था हेड्रोन कोलाइडर बना के। और अभी हमारे शहर में एजुकेशन की तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, तो हम क्या अभी धीरे धीरे करके जो अपनी इंडस्ट्रियल जोन है उसे हाई डेंसिटी जो ऑफिस जोन होती है उसके अंदर कन्वर्ट करेंगे, लेकिन एकदम से धीरे धीरे स्लोली स्लोली, है ना, जिससे कि एकदम से शहर का पूरा सिस्टम ना गड़बड़ा जाए। अभी हमारे यहाँ हेल्थ केयर की भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, तो उसका भी कुछ सॉल्यूशन देखना पड़ेगा हमें। तो वीडियो शुरू करते हैं, और लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करने का तुम्हें पता ही है, कर दो फटाफट। ठीक है भाई लोग, आ चुके हैं हम अपने सुंदर शहर के अंदर, और सबसे पहले इंडस्ट्रियल जोन को साफ कर देते हैं, थोड़ी सी इंडस्ट्रियल जोन को, है ना, पूरी नहीं साफ करेंगे एकदम से, तो दिक्कत आ जाएगी, लोग अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे एजुकेटेड होते हुए भी। तो इतनी सी जगह देते हैं ऑफिसेज को, क्योंकि ये भाई इंडस्ट्रीज पोल्यूशन बहुत कर रही हैं, और ये पोल्यूशन धीरे धीरे फैलता फैलता यहाँ पहुँच जाएगा रेजिडेंशियल एरिया में, तो दिक्कत हो जाएगी। तो भाई लोग यहाँ पे जो तुम एक खाली सी जगह देख रहे हो इन बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के बीच में, ये है लार्जेस्ट प्लाजा। ये एक भाई ऐसी बिल्डिंग है, ये क्या कहते हैं, लोगों की हेल्थ इंप्रूव करने में हेल्प करती है, वॉक कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, और मतलब खुद को मेंटेन रख सकते हैं इस तरह से। भाई बड़ी बड़ी बिल्डिंग के बीच में ऐसा लग रहा है ऐसे जो है गलती से छूट गया हो, एक प्लॉट छूट गया हो वैसे ही। और भाई लोग ये है एक मॉल ऑफ मॉडरेशन। ये क्या है, एक मतलब ऐसा मॉल है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा महंगी और नेक्स्ट लेवल टाइप की दुकान नहीं है, लेकिन इसके अंदर ऐसी मिडिल क्लास बंदों वाली दुकान है थोड़ी सी, है ना। और एक तरह से तुम बोल सकते हो ये पैठ बाजार जैसी चीज़ है, और दूर से कुछ ऐसा दिखता है शहर के बीच में। बड़ी छोटी सी बिल्डिंग है इन सारी मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग के बीच में। और भाई लोग ये जो बिल्डिंग अभी तुम देख रहे हो ये है कोर्ट हाउस। अभी तक यहाँ पे भाई कोर्ट नहीं थी, लेकिन अभी हमने यहाँ पे एक बड़ी सी कोर्ट बना दी है, शायद से हाई कोर्ट है। और ये भाई टॉप से ऐसी है कुछ, ठीक है, छेद है बीच में, यहाँ से कोई बम गए थे, जज की जान को खतरा है भाई। तो मतलब यहाँ पे क्या है, जो भी बंदों के मैटर होंगे ना वो यहाँ पे अपने सुलटा सकते हैं, कोर्ट हाउस है मतलब नॉर्मल, है ना। तो किसी का कोई मैटर हो भाई, लड़ाई झगड़ा हो गया कहीं, तो पुलिस अभी तक खाली पुलिस थी यहाँ पे, तो बंदों को उठा लेते थे वो लोग, है ना। लेकिन अब कोर्ट हाउस भी आ चुका है, तो अब उनका मैटर सुलटाए भी जा सकते हैं। और भाई लोग इस टाइम जो तुम बिल्डिंग देख रहे हो ये बड़ी सी पार्लियामेंट जैसी बिल्डिंग है ना, इस साइड से सामने, इस साइड, हाँ इस साइड से सामने। तो ये जो बिल्डिंग है ये है भाई ऑपरेशन ऑफिस। इसके अंदर क्या है भाई, जो हेड ऑफ ऑपरेशन होगा मतलब सबसे बड़ा डॉक्टर होगा यहाँ का सर्जन, वो यहाँ पे जा सकता है, और यहाँ पे उसके लिए सारे के सारे इक्विपमेंट और जो भी चीज़ उसे चाहिए होंगी वो सब भी अवेलेबल रहेंगी। तो इससे जो है लोगों को हेल्थ से रिलेटेड काफ़ी कम प्रॉब्लम आएंगी अब। और भाई लोग ये इतने सारे स्काई स्क्रेपर से भी ऊंचा स्काई स्क्रेपर जी जो इस टाइम पे बिल्डिंग तुम देख रहे हो ये है भाई एक हाई इंटरेस्ट टावर, और ये भाई कुछ ज़्यादा ही हाई है ना। और इसके अंदर क्या है भाई, बहुत बड़ी बिल्डिंग है जैसे कि बुर्ज खलीफा हो, है ना। और इसके अंदर बहुत सारी कंपनी जो है वो अपना ऑफिस बनाना चाहती हैं, क्योंकि यहाँ से बहुत अच्छा व्यू आता है शहर का। तो इसे बनाने के लिए हमारे से एक कंपनी ने कहा था कि मतलब हम इतनी ऊंची एक बिल्डिंग बना ले, हमने कहा बना लो, क्या दिक्कत है। और भाई ये है वो बिल्डिंग इतनी ऊंची, ऐसा लग रहा है सारी बिल्डिंग छोटी छोटी सी हो, यही एक बीच में अलग बड़ी सी खड़ी हो। तो भाई लोग जैसे कि यहाँ पे अपने ये सारे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लग रखे हैं, वाटर ट्रीटमेंट और वाटर सेक्शन प्लांट, है ना। और क्या कहते हैं, यहाँ पे जाके थोड़ा सा आगे, यहाँ पे ये पुल जा रहा है आगे, ठीक है, कहीं दूर किसी दूसरे शहर में। और यहाँ पे भाई बनाया हमने एक हार्बर, हार्बर वो होता है जहाँ पे शिप आके लगते हैं, और भाई सामान इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने का काफ़ी काम आया, क्योंकि इंपोर्ट एक्सपोर्ट की काफ़ी प्रॉब्लम आई थी यहाँ पे, रॉ मटेरियल नहीं था इंडस्ट्रीज के पास में, तो अब ये आएगा इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने का काम। भाई शिप से अपना मस्त सामान मंगवाओ, कोई टेंशन की बात नहीं है ना। और यहाँ पे इस साइड पानी से तो शिप आएंगे, यहाँ पे हमने काफ़ी दूर तक की जगह खरीदी हुई है, ठीक है। और जितना ब्राउन ब्राउन पानी देख रहे हो ये सारा का सारा शहर का गंदा पानी है, और यहाँ तक कि हमने काफ़ी लंबी जगह खरीदी हुई है, तो यहाँ से शिप आके और यहाँ पे अपने हार्बर पे लग जाए करेंगे, है ना। और क्या है, यहाँ से ये पीछे की साइड से एक सड़क से कनेक्टेड है, ये सड़क है यहाँ पे, ये वाली सड़क ऐसे अंदर जाके जमीन के और घूम के इस जगह के अंदर से और आके निकलती है यहाँ पे, मैं दिखाता हूँ तुम्हें, यहाँ पे इस जगह पे आके निकलती है सड़क अंदर अंदर होके,
यहाँ पे आके इस वाले हाईवे से मिल जाती है। दूसरी साइड से ये वाली जो सड़क है यहाँ से इस वाले हाईवे से इस हाईवे में, उसके बाद में ये जो हाईवे है ये वाला, ये भी कहीं से दूसरी जगह से आ रहा है। ये तो मेन हाईवे है जिस पे हमने टोल लगा रखे हैं काफ़ी सारे। तो अब क्या है, ये वाला हाईवे इससे हमने ऐसे करके ऐसे जोड़ दिया और ये यहाँ से एक टनल जाती है अंदर होके और ये निकलती है दूसरी साइड इस वाले हाईवे पे ऐसे, ये यहाँ से फिर आगे चले जाओ। और यहाँ पे क्या है भाई, ये जो यहाँ पे सड़क है इसका भी नाम चेंज कर सकते हैं। जैसे कि अभी ये है रेमोंड स्ट्रीट है ना, तो मैं इसका नाम बदल के, ठीक है, तो अभी इस जगह का नाम हो चुका है चंपकलाल हार्बर। तो तुम भी ऐसा कोई कमेंट में बढ़िया सा बेहतरीन सा नाम बताओ जो कि हम अपनी शहरों का, हार्बर का, हाईवे का रख सकें, है ना। देखो ये भाई यहाँ पे अभी हाईवे चंपकलाल हार्बर बन चुका है। तो अब क्या है, जब भी हमें इस हार्बर को कुछ बोलना होगा तो भाई चंपकलाल हार्बर। तुम भी कोई ऐसा बेहतरीन सा एकदम मतलब नेक्स्ट लेवल टाइप नाम बताओ जो कि हमें अपने शहर में चीज़ों का रखना चाहिए। तुम अपना नाम भी बता सकते हो, तुम क्या कहते हो कोई ऐसा जैसे चंपकलाल हार्बर ऐसे भी कुछ बता सकते हो बेहतरीन सा, जो भी तुम चाहो, है ना। तो अब यहाँ पे क्या है, चंपकलाल हार्बर पे शिप आए करेंगे और सामान यहाँ पे आसानी से इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर पाएंगे लोग। ये चंपकलाल हार्बर जो है हमने शहर से थोड़ा सा दूर बनाया है जहाँ पे पानी काफी ज्यादा ब्रॉड है जिससे कि यहाँ पे शिप जो है डॉक हो सके, नहीं तो यहाँ पे अगर ज्यादा आगे आ गए शिप तो अंदर घुस ही नहीं पाएंगे ना। ये पुल आ रखा है बीच में एक, तो इसकी वजह से भाई भीड़ भिड़ा जाएंगे पुल के अंदर, कोई फायदा नहीं है। और भाई लोग ये है एक सी एंड सी लाइन स्क्रेपर, ये जितनी भी अपने शहर में बिल्डिंग है सालों के करीब करीब बराबरी सी का ही है, समय मिल जाता है। लेकिन ये कुछ ज्यादा ही हाई एंड टाइप बिल्डिंग है, मतलब वैसे लग्जरी बिल्डिंग है सबसे ज़्यादा। तो ये क्या भाई, बहुत महंगा होटल है एक, जिसे कि लोग यूज़ कर सकते हैं जब वो बाहर से घूमने फिरने आते हैं हमारे शहर के अंदर। और ऐसा दिख रहा है भाई, ये कुछ हाइट इसकी बहुत ज़्यादा नहीं है इसे दूसरी वाली बिल्डिंग की तरह, जैसे कि ये वाली बिल्डिंग है मैं तुम्हें दिखाता हूँ। जैसे कि ये हाई इंटरेस्ट बिल्डिंग है इसकी तरह बहुत ज़्यादा ऊँचा नहीं है, लेकिन हाँ ये है वैसे देखने में काफ़ी अच्छा। कुछ बिल्डिंग तो इससे ऊँची है इसके आसपास वाली भी, ये बिल्डिंग भी इससे हल्की मोटी ऊँची होगी। और भाई लोग ये है मेडिकल सेंटर जो तुम अभी अपनी स्क्रीन पे बीच में देख रहे हो एकदम, और अभी अभी लाइट चली गई, मुझे फिर से रिकॉर्डिंग रोकनी पड़ेगी, इतनी परेशानी है जिंदगी में। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। खैर वैसे ये भाई मेडिकल सेंटर है, यहाँ पे बहुत सारी जो खतरनाक खतरनाक बीमारियां हैं उनका इलाज ढूंढते हैं डॉक्टर लोग और रिसर्च चलती रहती है इसके अंदर सारे टाइम। और ये जो है लोगों की हेल्थ को काफी ज्यादा इंप्रूव करेगी, मतलब लोगों की हेल्थ का अल्टीमेट सॉल्यूशन है। मतलब किसी को कोई बीमारी होगी वो यहाँ पे आकर अपना इलाज करा सकता है। और इसके अंदर काफ़ी सारे डॉक्टर भाई सर्जन सब लोग रहते हैं, ठीक है, एक तरह से सेंटर है मेडिकल इंडस्ट्री का। यहाँ पे दवाइयाँ ववाइयों का भी ऊपर काफ़ी ज़्यादा रिसर्च होती है, ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा ऊँची है नॉर्मल बिल्डिंग से, तो इससे तो हाई इंटरेस्ट टावर से तो फिर भी नीची है, लेकिन जो नॉर्मल बिल्डिंग है जितनी भी उन सबसे काफ़ी ज़्यादा ऊँची है, सारी नॉर्मल बिल्डिंग है इसके नीचे आ रही है, डॉक्टर टावर है एक तरह से। तो भाई लोग अभी हमने बनवाया है ये एक फ्रेंडली नेबरहुड पार्क है और ये तुम्हें भी खाली दिख रहा होगा करीब करीब, ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक पार्क है। लेकिन क्या है, यहाँ पे लोग आके और अपना मस्त वॉक वगैरह कर सकते हैं और मतलब शांतिपूर्वक रह सकते हैं लोग यहाँ पे। और ये यहाँ पे बिल्कुल शहर के बाहरी से इलाके में बना हुआ है, ठीक है। तो भाई लोग ये तो पूरा रेजिडेंशियल एरिया है, हाई डेंसिटी रेजिडेंशियल एरिया ये, जहाँ पे इतनी सारी बिल्डिंग बन रखी हैं। और यहाँ पे ये हाई डेंसिटी कमर्शियल जोन है सड़क किनारे, यहाँ पे एक सड़क छोड़ के ये है भाई ऑफिस जोन। यहाँ पे बंदों ने ऑफिस बना रखे अपने काफी सारे और भाई पूरा इलाका करीब करीब भरा पड़ा है ऑफिस से। ये जगह खाली है पता नहीं क्यों, यहाँ पे छोटे ऑफिस बन रखे हैं, हाँ छोटे छोटे ऑफिस बन रखे हैं, यहाँ पे इतने महंगे ऑफिस नहीं है। यहाँ पोल्यूशन भी काफी ज्यादा है क्योंकि यहाँ पे कचरा वचरा जलाने के प्लांट लगा रखे हैं हमने। ऑफिस जोन जो है वो इस इलाके में पूरी बन चुकी है, जहाँ पे सड़कों के आसपास बहुत ज्यादा ट्रैफिक रहता है वहाँ पे हमने हाई डेंसिटी कमर्शियल जोन बनाई है। जैसे कि यहाँ पे भाई ये मेन रोड है पूरे रेजिडेंशियल इलाके को जोड़ती है, तो यहाँ पे हमने ये हाई डेंसिटी कमर्शियल जोन बनाई है। उसके साथ में वहाँ पे अंदर ये भाई पूरा का पूरा इलाका जो है ये रेजिडेंशियल जोन का है। ये वाला जो बीच का इलाका बचा हुआ है ये भी हमने रेजिडेंशियल जोन को देने डिसाइड करा था, लेकिन अभी हमने दिया नहीं क्योंकि रेजिडेंशियल जोन की यहाँ पे अभी बहुत ज़्यादा डिमांड नहीं है। यहाँ पे भी इंडस्ट्रियल जोन की और ऑफिस जोन की काफ़ी ज़्यादा डिमांड आ रही है, बेसिकली ऑफिस जोन की। और भाई पता नहीं क्या बात है, यहाँ पे पोल्यूशन की वजह से शायद से ऑफिस की हाइट भी थोड़ी छोटी रह गई, ठीक है। यहाँ पे देखो यार एक बार ऑफिस बिल्डिंग का साइज़, ठीक है, इतनी ऊँची ऊँची ऑफिस की बिल्डिंग है, ठीक है, यहाँ देखो भाई एकदम से पोल्यूशन आती ऑफिस की हाइट छोटी। तो भाई लोग अभी हमने बनाया है अपने शहर के अंदर एक एयरपोर्ट, यहाँ पे भाई इतनी बड़ी बड़ी बेहतरीन महंगी महंगी बिल्डिंग बन चुकी है इतनी सारी, ठीक है, इतनी तकड़ी ऑफिस जोन है और भाई इतनी महंगी हाई एंड रेजिडेंशियल जोन, यहाँ पे हाई एंड कमर्शियल जोन, ठीक है, महंगे महंगे बंदे रहने लगे यहाँ पे एकदम। तो अभी हमने क्या कहते हैं इन लोगों के लिए एक एयरपोर्ट बनाया है, एयरपोर्ट के लिए यहाँ पे जगह थी क्योंकि भाई एयरपोर्ट काफ़ी बड़ा होता है। तो ये जगह ये पूरी तरह से टाइटली पैक्ड है, ठीक है। तो हमने क्या करा, यहाँ पे सामने वाली साइड पे
हमने यहाँ पे एक एयरपोर्ट बनाया, जितनी बड़ी बड़ी फैसिलिटीज़ है सारी यहीं बन रखी हैं। हेड्रोन कोलाइडर हो गया, ठीक है, ये हो गया कोलोसल होटल की बिल्डिंग हो गई, ऑफिस हो गया इन लोगों का, है ना, जो भी है सारी चीज़ें यहीं बन रखी हैं। तो यहाँ पे हमने एयरपोर्ट भी बनाया, ये है एयर स्ट्रिप, और भाई बिल्कुल GTA 5 वाली एयर स्ट्रिप लग रही है देखने में। और GTA 5 वाली एयर स्ट्रिप से ज़्यादा GTA 5 वाली वीडियो भी देखो यार जाके अपनी, GTA 5 एक्सपेंडेड एंड एनहेंस्ड की, क्योंकि GTA 5 में ये GTA 5 से कुछ बेहतर है, बेहतरीन नेक्स्ट लेवल है GTA 5 से, है ना। जो ऑफिस जोन है उसे भी आगे एक्सपेंड करना शुरू कर रखा है, यहाँ से ये आगे 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 यहाँ पे सारी की सारी ऑफिस बने हुए हैं, ठीक है, यहाँ तक। यहाँ पे हमने लास्ट में ये जगह थोड़ी सी कमर्शियल जोन वालों को दे रखी है। एक और रोड बना दी इसके साइड साइड में, ये जो दूसरी रोड आई थी हमने इसे भी आगे लंबा एक्सटेंड कर दिया, और यहाँ पे जाके ये दूसरी गली है, और इसे भी हमने पीछे वाले हाईवे से जोड़ दिया। यहाँ से दूसरी साइड से एक हाईवे जा रहा है वहाँ कहीं दूर किसी दूसरे शहर में, है ना, तो हमने इससे जोड़ दिया इसे, और यहाँ से एंट्रेंस एग्जिट दो बन गए, एक उधर का एक इधर का है। और मैं क्या सोच रहा हूँ भाई, अभी इधर का एग्जिट हमने बना तो दिया ही है, ठीक है, तो जिससे आने जाना होगा यहीं से आ जाएगा और चला जाएगा। और यहाँ पे क्या है, इतने सारे टोल होने की वजह से इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में काफ़ी दिक्कत आ रही है, जबकि टैक्स की अभी इतनी प्रॉब्लम नहीं है हमारे साथ में। तो मैं क्या कहता हूँ, इस ये जो पूरे के पूरे टोल का मायाजाल है इसे तोड़ के, और अभी क्या कहते हैं, सीधा हाईवे बना देता हूँ, क्योंकि पैसों की इतनी दिक्कत तो आ रही है हमें, जबकि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में काफ़ी दिक्कत आ रही है, ठीक है भाई लोग। तो अभी हमने क्या है, यहाँ पे इस इलाके में सारे के सारे जितने भी टोल थे वो हटा दिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आई थी इम्पोर्ट वगैरह में, रॉ मटेरियल नहीं मिल पाता कुछ इंडस्ट्रीज को, अभी इतना मेजर फैक्टर रह नहीं गया था टोल टैक्स का, है ना। तो हमने यहाँ पे सारे के सारे टोल हटा के और ये एकदम बेहतरीन से हाईवे अंदर तक पहुँचा दिया, है ना, जो अंदर हाईवे जा रहा था इन दोनों को आपस में जोड़ दिया हमने बेसिकली। और भाई लोग अभी अभी हमने बनाया यहाँ पे ये एक ऑफिशियल पार्क, यहाँ पे आसपास ऑफिसेज बन रहे हैं काफ़ी सारे, ठीक है, और यहाँ पे हमने बनाया ये एक ऑफिशियल पार्क। यहाँ क्या है, बहुत सारे ऑफिसेज हैं ना, तो जो भी ऑफिस वाले बंदे होते हैं उनके लिए यहाँ पे एक अलग से ऑफिशियल पार्क बनाया है। ऑफिस की अच्छी खासी डिमांड है यहाँ पे, ये देखो भाई पूरा भर गया यहाँ तक ऑफिस जोन ही ऑफिस जोन से, ठीक है, यहाँ से लेके और वहाँ तक ऑफिस जोन ही ऑफिस जोन है पूरे इस जगह पे। यहाँ हाईवे आ रहा है ना, तो हाईवे के एकदम बाजू में हमने कमर्शियल जोन को जगह दे दिया है, जिससे कि इनकी भी अच्छी खासी सेल हो जाए। जो भी बंदे ऑफिस से अपने घर को जाएंगे हाईवे की तरफ जाएंगे, वो इनसे सामान खरीदते हुए निकल जाएंगे। और एक सड़क हमने यहाँ पे बनाई, ये थोड़ी सी ऐसे बनाई है, यहाँ पे क्या है, नीचे तो हम बना ही सकते हैं अंडरग्राउंड, क्योंकि यहाँ पे पानी आ रहा है, अंडर वाटर थोड़ी बना सकते हैं सड़क, अंडरग्राउंड ही तो बना सकते हैं ना जमीन खोद के। तो हमने यहाँ पे क्या करा, इस साइड जाने के लिए यहाँ से ऐसे गाड़ियाँ आती हैं, यहाँ पे ऊपर चढ़ती हैं, यहाँ से ऊपर होके हाईवे के ऊपर से यहाँ घुस जाती हैं, और इधर जाने के लिए तो मेन सड़क है इधर से आने के लिए। और यहाँ पे क्या है भाई, हमने अपना शहर बनाने के लिए ट्रेन लाइन भी तोड़ दी थी, जो कि सरकारी ट्रेन लाइन जा रही थी, तो उसे भी हमने वापस से कनेक्ट कर दिया। यहाँ पे क्या है, यहाँ से कहीं दूसरी ट्रेन लाइन आ रही है, वो यहाँ से होके जा रही है हाईवे के बाजू बाजू, तो यहाँ से क्या है, पहले तो नॉर्मल ज़मीन पे होके जा रही थी, लेकिन यहाँ पे हमें अपने यहाँ शहर बनाया था, तो हमने अभी क्या करा, इसे ऐसे करके ऊपर ऊंचा उठा दिया, और अभी ऊंचा उठा के यहाँ से होके ये पुल होके यहाँ से ऊपर से निकल जाती है, इन सारे सड़क वाले पुलों के ऊपर से होके, और यहाँ आके यहाँ से घूम के और इस वाली लाइन के अंदर मिल जाती है। और भाई लोग इस टाइम पे दूर से कुछ ऐसा दिखता है यार अपना शहर, एकदम नेक्स्ट लेवल। और भाई जो ऑफिस जोन है काफ़ी आगे तक एक्सपेंड हो गई है, पूरा इलाका ऑफिस जोन का है इस टाइम पे, हाईवे के इस साइड पे हमने ऑफिस जोन एक्सपेंड करी है, लेकिन भाई काफ़ी सही एक्सपेंड हो गई है ना, ऊपर से देखो भाई क्या लग रही है। और अभी तक इतने इलाकों को तो भाई हमने पूरी तरह से भर के एकदम पॉपुलेट कर दिया, डेंसली पॉपुलेट कर दिया भाई, इतने बड़े बड़े स्काई स्क्रेपर्स हैं वो भी सारे एकदम डेंसली पॉपुलेटेड, एक दूसरे से सट सट के एकदम, है ना। वो भाई अगर तुम्हें शहर बढ़िया लग रहा हो तो इस शहर के लिए एक लाइक जरूर मार दो, है ना, इतना मतलब एकदम बेकार सी जगह से ऐसा बेहतरीन एकदम हाई लेवल का शहर बनाना तो बनता है यार, एक लाइक तो बनता है इस शहर के लिए। तो भाई लोग आज वाली वीडियो बस इतना, अगर तुम्हें वाली वीडियो बढ़िया लगी हो मजा आया तो तुम्हें पता है तुम्हें क्या करना है, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब एकदम भर के कर देना। और भाई लोग इस सैटरडे आने वाली है GTA 5 एक्सपेंडेड एंड एनहांस्ड की वीडियो, तो उसे भी देख लेना, अपना सपोर्ट देना थोड़ा सा, है ना, मजा आना चाहिए। और हाँ, अगर तुम एनिमे स्टोरी पढ़ते हो तो एकदम नेक्स्ट लेवल एनिमे स्टोरी के लिए नीचे पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन चेक करो। और क्या है भाई, मिलते हैं अगली वीडियो में।